हेलो फ्रेंड्स, आज मैवरिक 440 जो नया मोटरसाइकिल आया है हीरो की तरफ से, उसका रिव्यू करेंगे और इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो लुक्स कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन पर है। अभी ये कैटेगरी को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर इस कैटेगरी के बेस पर आपको ट्राइम्फ की 400 भी देखने को मिल जाएगी, फिर टीवीएस की रॉनिन देखने को मिल जाएगी और ये हीरो ने भी उसी कैटेगरी में। ये कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है और बड़ा इंजन है ना, आप सीना चौड़ा करके पावरफुल मोटरसाइकिल का मज़ा ले सकते हो। ये एक कैटेगरी है एक तरह से, मगर मैं अभी इसको डिफाइन नहीं कर पाऊँ। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताओ। इसमें आपको 440 cc का, सेम जो हार्ली डेविडसन का 440 निकला था हीरो के साथ कोलोब्रेशन करके, वही सेम इंजन और मेरे ख्याल से 99% चेसिस भी वही सेम रहेगी। अर्गोनॉमिक्स थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो वो हिसाब से हीरो ने ये मोटरसाइकिल डेवलप किए। प्राइस काफ़ी कम रखा गया है कंपेयरिंग टू हार्ली डेविडसन 440। इसमें आपको सेम इंजन मिल जाएगा, ऑयल कूल्ड टॉर्क एक्स इंजन 440 cc का, जो 36 Nm का 4000 RPM पर टॉर्क निकालेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स रहेगा। 35+ कनेक्टेड फीचर्स भी इसमें मिल जाएंगे। चलिए इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन में आपको 2100 mm का लेंथ देखने को मिल जाएगा, 868 mm का विड्थ देखने को मिल जाएगा, 1112 mm का हाइट रहेगा। व्हील बेस रहेगा 1388 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm का रहेगा। कब वेट इसका अलॉय व्हील, इसमें दो कैटेगरी रहेगी, अलॉय व्हील के साथ आपका 187 kg का रहेगा और स्पोक व्हील के साथ 191 kg का रहेगा। सेडलाइट रहेगी 803 mm की। फ्रेम की बात की जाए तो इसमें 12 फ्रेम बॉडी टाइप रहेगा। फ्रंट सस्पेंशन आपका टेलीस्कोपिक रहेगा और क्यूशन स्ट्रोक रहेगा 130 mm का। रियर सस्पेंशन आपका हाइड्रोलिक रियर ट्विन शॉक स्विंग आर्म माउंटेड शॉक जरूर रहेगा, उसका भी ट्रैवलिंग सेम रहेगा 130 mm का। फ्रंट में आपको 110 बाई 17 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको 150 बाई 60 का 17 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक रहेगा और रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर की रहेगी। पावर ट्रेन सेम मिलेगा आपको जो हार्ली डेविडसन में मिलता है, फिर भी आपको बता देता हूँ। फुल्ली वर्टिकल एयर कूल्ड दो वाल वाला इंजन रहेगा, सिंगल सिलेंडर का, जो 27 हॉर्स पावर निकालेगा 6000 RPM पर। 36 Nm का टॉर्क निकालेगा 4000 RPM पर। बोर की साइज रहेगी 79.6 mm की। स्ट्रोक की साइज रहेगी 88.4 mm की। डिस्प्लेसमेंट आपका 440 cc का रहेगा। कंप्रेशन रेशियो रहेगा 9.65:1 का। दो वाल का SOHC इंजन रहेगा। एयर फिल्टर आपका वेट पेपर टाइप का रहेगा। क्लच सिस्टम मल्टीप्लेट वेट टाइप का असिस्ट एंड स्लीपर क्लच रहेगा। 6 स्पीड का मैनुअल गियर आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 12 वोल्ट 8 एम्पियर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी देखने को मिल जाएगी। ऑल LED सेटअप है, तो हेडलैम्प टेल लैम्प DRL पोजिशनिंग लैम्प सारा आपको LED में देखने को मिलेगा, अलग अलग वोल्ट की कैपेसिटी में। उसके साथ टर्न इंडिकेटर भी आपका LED में ही रहेगा। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। आप इसके हाईलाइटेड फीचर्स भी देख लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। हाँ से मिलेगा इसे फुल्ली मेटल इसका, यानी पैसा पूरा लेते हैं तो, और पावरफुल इंजन भी है तो कहीं पर भी कंजूसी नहीं की गई इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। फुल मेटल बॉडी है, लॉन्ग टाइम तक आप ये मोटरसाइकिल का मजा ले पाओगे, यानी एक जनरेशन पूरा निकाल देगी। और डिज़ाइन की बात की जाए, सबसे पहले डिज़ाइन से ही शुरुआत करते हैं।
इसमें आपको कमांडिंग प्रेजेंस भी देखने को मिल जाएगा, जैसे अपराइट पोजीशन है, सीना चौड़ा करके आप चलाओगे मोटरसाइकिल को। फिर सेकंड है मेटल आर्मर, जो आपको मैंने बताया पूरा मेटल का बॉडी रहेगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी कम किया गया है, और इसमें आपको राउंड शेप का स्ट्रीट फाइटर टाइप का ओल्ड स्कूल जो डिज़ाइन फिलोसॉफी थी उसको ही मॉडर्नाइज किया गया है और उसके बेस पर ही पूरा ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। डिज़ाइन के बाद हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, डिज़ाइन हो गया, टेक्नोलॉजी में आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा। और इसका स्पीडोमीटर है ना, उसमें थोड़ा फीचर्स कम रहेगा, फीचर्स जो आपने हार्ली डेविडसन 450 में देखा था उतना आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, मगर जितना नेसेसरी फीचर्स है जैसे कि 10x10 नेविगेशन सिस्टम, कॉल अलर्ट्स, एसएमएस अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और माइलेज, ऑनगोइंग माइलेज आपको जो दिखाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्विस रिमाइंडर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ये सारे बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी की सारी टेल टेल लाइट्स भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंजन ऑयल लाइट, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, हाई बीम लो बीम, लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में तो बता ही दिया, मगर वही सेम आपको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है पड़ेगी। अब राइड एंड हैंडलिंग का देखते हैं, तो राइड एंड हैंडलिंग में भी मैंने वही चीज़ आपको वापस रिपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सुपीरियर राइडिंग एर्गोनॉमिक्स, यानी पूरा आप अपराइट बैठते हो, अच्छा पावरफुल इंजन है, खुली सड़क पर हवा के साथ बातें करते हुए चलाते रहो, वो कॉन्सेप्ट पर मैवरिक्स को डेवलप किया गया है। अब आपको ये इसका 360 व्यू में दिखा देता हूँ, ये है इसका 360 व्यू। ये स्पोक व्हील ऑप्शन में आपको बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसको स्पोक व्हील पसंद है वो इसके साथ जा सकता है। फिर मिड वेरिएंट में आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये रेड और उसके बाद ब्लू। फिर टॉप वेरिएंट में आपको वापस दो कलर मिलेंगे, ब्लैक में ही एक फैंटम ब्लैक मिलेगा जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा ग्लोसी बोल सकते हो, ग्लोसी या हाँ ये ग्लोसी रहेगा। और फैंटम ब्लैक अगर आप लेते हो तो ये थोड़ा मैट फिनिश पर आएगा, तो ये आपकी चॉइस है आपको कौन सा कलर पसंद आता है। बाकी इसकी फ्यूल इकोनॉमी और टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो सेम रहेगी हार्ली डेविडसन एक्स 440 के जैसा ही, जिसमें आपको 25-30 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाएगा और 140-145 के आसपास की टॉप स्पीड रहेगी। बाकी कुछ ज़्यादा देखने और बताने के लिए है नहीं ये मोटरसाइकिल में। आपको अगर पसंद आती है और आपका बजट लो है, हार्ली डेविडसन के लिए आप जा नहीं पाते हो, और ये लुक अगर आपको पसंद आता है तो आप ये मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। ज़्यादातर ये अपील करेगी 40+ के लोगों को और उनको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन विद फैमिली के साथ अगर बाहर जाना है तो उनके लिए पावरफुल मोटरसाइकिल बन सकती है ये। नज़दीकी शोरूम में जाइए और अगर मोटरसाइकिल पसंद आती है तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर पाओगे और टेस्ट राइड लेकर भी बुकिंग कर पाओगे। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो, अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।